आशा शब्द स्कूल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारा शीर्षक साथ है, जिसका शीर्षक है मुखिया सेवक। और आप सबका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आओ हम अपना जो दोस्त है उनसे मिले। आज हमारे साथ सुरम्मा मनी है, जिसको हम टीचर जी कहेंगे इस शो में, और क्योंकि वो पहले एक टीचर थी। और आपका स्वागत है, धन्यवाद आप अपना समय निकाल कर आए हैं इस प्रोग्राम में। और एशली, एक बार फिर आपका स्वागत है, धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आ सके। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम देखने के लिए, खासतौर भाई याकूब अकरम जो मार्शल आइलैंड में पढ़ाता है, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपना संदेशा भेजा, आपको परमेश्वर आशीष दे। माफ़ करना, हम उर्दू में यह प्रोग्राम नहीं कर सकते, हिंदी में सिर्फ हम कर सकते हैं यहाँ फिजी आइलैंड से। प्रभु का आशीष आपके साथ भी रहे, और जितने लोग हमारे दोस्त देख रहे, प्रभु का आशीष आप सबके साथ रहे। आओ क्यों ना हम लोग डिस्कशन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें, और आग्रह करेंगे कि टीचर जी हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। प्रभु महान, हर सृष्टि के दाता, हम प्राणी के जीवन दाता, तेरी जय जयकार होए। ये तेरी बड़ाई है प्रभु। आज एक बार हम यहाँ इकट्ठा हुए, तेरे जो वचन है बोलने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए। प्रभु महान, हम जैसे यहाँ बैठे, हम सब पर तेरी दया आशीष होए। पवित्र आत्मा से भरपूर करना, मन को खोलना, जो हम बोले वो तेरी ओर से रहे, ताकि हम और जो सुनने वाले हैं सब इससे आनंद उठाए। ये प्रार्थना हम अपने मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट के नाम से मांगती हूँ। आमीन। मुखिया सेवक, मुखिया सेवक, सर्वेंट लीडरशिप, सेवा सेवक बनकर मुखिया का काम करना, ये थोड़ा कठिन बात है, पर बहुत से लोग जो है इसको अपना जिंदगी में ला नहीं सकते। हम खुद अगर अगुवाई करते तो ये थोड़ा कठिन पड़ता है कि हम एक सेवक बने, अगुवाई में सेवक बने, एक अगुआ बनकर सेवा करें। पर पात्रस जो है, जो इतना ज्ञान से भरा हुआ है, वो हमें इसके बारे में बताता है। और शुरुआत में अर्ली क्रिश्चियन चर्च में अगुआ बनना बहुत जरूरी रहा। एक्स के पुस्तक अगर हम देखते हैं, टिमथी के पुस्तक हम देखते हैं, इसमें जो अगुवाई के बारे में हमें बताता है, क्यों अगुआ लोन चुना जाता था, और ये हमें मदद करता है। और आज हम आप दोनों से सीखेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या हम सीखते हैं। एक्स चैप्टर 6 वर्स 1-6, एक्स चैप्टर 6 वर्स 1-6। Sometime later, as the number of disciples kept growing, there was a quarrel between the Greek-speaking Jews and the native Jews. The Greek-speaking Jews claimed that their widows were being neglected in the daily distribution of funds. So the 12 apostles called the whole group of believers together and said, "It is not right for us to neglect the preaching of God's word in order to handle finances. So then, brothers, choose 7 men among you who are known to be full of the Holy Spirit and wisdom, and we will put them in charge of this matter. We ourselves then will give our full time to prayer and the work of preaching." ये वचन क्या हमें बताता है अगुआ, शुरुआत में अर्ली क्रिश्चियन चर्च के अगुवालों के बारे में? यहाँ पर यह बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का काम लोगों के बीच में जब फैलने लगा, तो ढेर लोग जानने लगे और ढेर लोग इकट्ठा होने लगे। जब ढेर लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ने लगा। तो कुछ कुछ कहने लगा कि जो विधवा लोग हैं उन लोगों को अच्छी तरह से खाना नहीं मिल रहा है। तो जो चेले लोग हैं जिसको चुना गया था, उन लोगों ने क्या किया, वो प्रार्थना किया और फास्ट किया, और 7 एल्डर को चुना गया कि ताकि वो लोग जो 7 लोग हैं
अगवा लोग को चुना गया कि वो लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, जो छोटा मोटा चीज़ है, वो संभाल सके, और ताकि जो अपोस्टल्स लोगों हैं, जो चेले लोगों हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य आगे और जगह जाकर पहुंचा सके। बहुत सुंदर बात है। ये मुखिया चुनने से ये जो छोटी छोटी इनके बीच का जो समस्या है ना, उनका हल होगा। तो समस्या हल करने के लिए जी, अच्छी बात। तो एक्स चैप्टर 14 वर्स 23 क्या कहता है? In each church, they appointed elders, and with prayers and fasting, they commended them to the Lord in whom they had put their trust. यहाँ पे भी बहुत सुंदर से समझाता है हमें। क्या समझाता है? कि उनको अभिषेक किया गया। जब उनको चुन लिया गया, तो उनको अभिषेक कर लिया गया परमेश्वर के अगुवाई में, है ना? अच्छी बात। 1 Timothy 5:17 क्या हमें बताता है? Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. तो जो अगुवा है, जो मुखिया है, जो एल्डर है, वो जो अपना काम अच्छे से करता है, उसको क्या करना है? उनको थोड़ा कुछ पैसा वगैरह देना चाहिए, ताकि वो अपना खर्चा पानी में उसे काम में ला सके, आने जाने में, जो फुल टाइम काम करता है जी, ना जी। पर एक होना चाहिए आदर, इज्जत करना, इज्जत करना जी। ये बहुत खास बात बताता है। जो अगुआ था, जो अगुआ जो चुना गया शुरुआत में, उनका आदर, इज्जत, और उनको भोजन पानी के लिए भी दिया जाता है। तो ये शुरुआत की बात है ना? तो ये जो जो जिम्मेवारी है जो अगुआ का, ये जो जिम्मेवारी है अगुवाई का, ये क्या हमें सिखलाता है? कि हम लोगों को शिक्षा दे, पहले हम खुद अपने आप को शिक्षित करें, तो हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो हम अगर हम वचन जानेंगे तो हम प्रचार कर सकेंगे। प्रचार का मतलब ये है कि हम अपने जीवन से उनको बताएं, हमारा जीवन बातें करना चाहिए। बहुत अच्छा बात आप लोगों ने कहा। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जो अगुआ लोग है, उनको प्रार्थना, उपवास करके उनका चुना किया गया पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। और जब चुना जाता है तो उनको अभिषेक किया जाता है, और जब अभिषेक किया जाता है तो उनका आदर करना बहुत जरूरी है, उनका वो इज्जत देना बहुत जरूरी है। ये बहुत सुंदर से हम देखते हैं ये लेसन में, ये जो शिक्षा में। पात्रस जो है वो कुछ शिक्षा देता है, जो अगुआ या जो एल्डर्स है उनको शिक्षा देता है। पहला पात्रस, 1 Peter 5:1-4। I, who am an elder myself, appeal to the church elders among you. I am a witness of Christ's suffering, and I will share in the glory that will be revealed. I appeal to you to be shepherds of the flock that God gave you, and to take care of it willingly, as God wants you to, and not unwillingly. Do your works not for mere pay, but from a real desire to serve. Do not try to rule over those who have been put in your care, but be examples to the flock. क्या समझा आप एक्चुअली यहाँ पे? यहाँ पर बताता है कि एक चरवाहा की तरह लोगों को देखना है। जो एक अच्छा चरवाहा है, जो शेपर्ड है, वो जो भेड़े लोग के लिए अपना जीवन दे देते हैं। तो सवाल यहाँ से ऊपर चलता है कि क्यों पात्रस ने अगुआ को या एल्डर को एक चरवा की तरह देखता है, और क्यों वो जो जो कलिशिया है उसको एक भेड़े का घेरा या एक भेड़े की तरह देखता है? जो एक चरवाहा है, जैसे मैंने कहा, वो भेड़े लोगों को देखता, अपना जान भी उन लोगों के लिए दे देता है। वो जब कोई गलत रास्ता पे चले जाता है, जो एक अगवा है या जो चरवाहा है, उन लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आता है। वो अपना जान भी दे देता है, और देखने में, संभालने में, ये जो भेड़ा लोग हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी सीखते हैं कि एक भेड़ा जो भेड़े है, जब घेरा में रहता है या साथ में रहता है, क्या भेड़ा अपन आपको रास्ता खोज सकता है?
एक आगे चलेगा, सब पीछे पीछे चलेगा. पर क्या भेड़े जो है अपने आप को बचा सकता है? अगर शेर आ जाएगा बचा सकता है? अगर दुश्मन आएगा वो बचा सकता है? नहीं बचा सकता है ना. तो एक चरवा की जरूरत है उनका देखभाल करने के लिए, इस कारण अगुआ लोग को चुना जाता है. एक रक्षक की जरूरत है, रक्षक की जो रक्षा करेगा, चाहे कितना कठिन समस्या क्यों ना हो, कठिन मार्ग है, वो रक्षक अगर स्थिर है तो उनको बचा सकेगा, सही मार्ग पर लाएगा. अच्छी बात. क्या खास बात हम सीख सकते हैं पात्रस से, चरुआ अगुआ के बारे में? ये जो वर्सेस हम पढ़े हैं पहला पत्रस 5:1-4 में, ये बता, यहाँ पर पत्रस बताता है कि हम लोग एक अगुआ का, जो एक अगुआ विलिंगली काम करना है, अप खुशी खुशी अप बिना किसी को बोले वो खुद अपने अप काम करता है. वो इंतज़ार नहीं करेगा कि अच्छा ये मेरा काम है मैं करूँगा. बिना किसी को बोले वो देखेगा, वो खुद करने लगेगा. और वो इंतज़ार नहीं करेगा कि अगर मैं ये काम करूँ, मैं इन लोगों को देखूँ, इन लोगों के लिए ये काम करूँ तो मुझे पैसा मिलेगा या मुझे कुछ मिलेगा. और आखिरी में पत्रस बताता है कि ये जो एक अगुआ का काम है वो एक नम्र होकर काम करना है. एक लीडर की तरह नहीं, ऊपर खड़े हो जाओ और बताओ लोगों को क्या करना है. नम्र होकर करना है कि आप ऐसे करें कि लोग आपको देखकर वो काम करें. सेवक बनना है, सेवक का काम करना, नीचे आना है ना, नीचे आना है. क्या कुछ बुरे धर्मशास्त्र में कुछ बुरे अगुआ या बुरे चरुआ के बारे में कुछ आप बता सकते हैं हमें? जी हाँ, है ऐसे बहुत से लोग हैं. जब हम देखे धर्मशास्त्र में, वो अपने ही लिए, अपने ही अच्छा के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने फायदा के लिए काम किए, और जो भेड़े थे, जो मेंबर्स थे, उनके विषय में भूल गए. बहुत सुंदर से हमें पात्र समझाता है ना. कुछ कुछ लोग ऐसा कहता है, मैं बहुत खुश हूँ मैं अगुआ नहीं हूँ. कुछ लोग ऐसे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परमेश्वर की जो शीप है उनके शेपर्ड नहीं हूँ. इसमें क्या समस्या है? जब हमें, जब हम कहते हैं कि मुझे अगुआ नहीं बनना है, ये अगर हम भेड़ लोग को देखे और चरवाह को देखे कि मुझे, मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ सेवक का काम नहीं मिला है, तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को चुना है. जब वो हमें चुना है तो हमारा काम है, हम जब हमें चुना है तो हम एक मुखिया बन जाते हैं, और हमारा काम है कि हम लोगों को देखें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताएं. और जब हम, प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है तो हमें आत्मिक वरदान भी मिलता है, और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमसे छीन लिया जाएगा. तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बता नहीं पाएंगे. अच्छी बात. तो पात्रस जो है वो हमें ये काउंसल देता है, हम लोग के ये शिक्षा देता है कि हम जो अगुआ है या जो एल्डर्स है या जो अगुवाई करता है उनको कैसे रहना है, क्या करना है. उनका जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, कम जिम्मेवारी नहीं है, बहुत ज़्यादा है. उनको एक चरुआ बनना है, उनको बचाना है, रक्षा करना है. तो यहाँ पर पात्रस जो है और आगे हमें बताता है कि हमें सेवक बनना है, ना कि महाराजा की तरह या एक बहुत बड़ा बोसाई दिखाए. बोसाई हम लोग बोलते हैं यहाँ ना, बड़का बोस बन जाए, कहे तुम ही करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम हमारे लिए ही करो, तुम हमारे लिए. कभी कभी ऐसे ऐसे अगुआ लोग के आप देखा कि मैं अगुआ हूँ, मैं बोस हूँ, है ना. तो पात्रस यहाँ पे हम लोग के बताता है कि हम लोग को पुकारा गया कि हम सेवा करें, ना कि बोसाई करें. ये बात हम देखें, अगर हम अच्छे से देखें, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या शिक्षा पात्रस देता है. पहला पात्रस 5:3, फर्स्ट पीटर 5:3 में कहता है, डोंट लोड इट ओवर द पीपल असाइन टू योर केयर, बट लीड देम बाय योर गुड एग्जाम्पल.
मैं इस पे बोलती हूँ कि मैं बताऊँ या बाइबल निकाल कर मैं बताऊँ, मैं भी एक मुखिया थी कभी। तो क्या हुआ कि मैं जब पाठशाला में थी तो मैं चल पड़ती थी खुद काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, जो कर, मैं किसी को बोलती नहीं। तो क्या हुआ जब मैं देखती थी कि और बच्चे जितने अध्यापिका वो भी अपना सेक्शन में निकल पड़ते थे, तो मुझे बोलना नहीं पड़ा। तो उदाहरण बोलता नहीं है, उदाहरण दिखाता है तो लोग अपना लेते हैं उसे। यीशु मसीह क्या हमें याद दिलाता है? मत्ती के इंजील अगर हम देखें, मैथ्यू 20:20-28, इसको पढ़ेंगे नहीं हम, पर इसको हमें समझा दे कि क्या क्या परमेश्वर के सीख हमें क्या मिलता है। यहाँ पर जो जेम्स और जॉन है, जीसस का जो डिसाइपल्स है, वो अपनी माँ के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उसकी माँ ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो मेरे बेटे को अपने एक इस दाएं और बाएं तरफ बैठाना। तो जो और बाकी जो चेले थे वो नाराज़ हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि दुनियादारी में लोग तो हमें एक दर्जा दे देंगे, एक अगुवाई अगुवा का दर्जा दे देंगे, और वो अगुवा जब हम अगुवा बन जाएंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि ये करो वो करो, एक एक ऊंचा दर्जा मिल जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ये बताता था कि अगर आप मेरे घर जाना चाहेंगे, मेरे किंगडम में जाना चाहोगे और आपको एक लीडरशिप या अगुवा का जगह चाहिए तो आपको एक सेवक बनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो सेवकाई करने के लिए आया था, लोगों के लिए काम कर रहा था, वो बैठा नहीं था और लोग उसके लिए कुछ नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए जाकर काम करता था, जैसे पांव धोया अपने डिसाइपल्स के, लोगों को हील करता था। तो एक अगुवा का काम है लोगों का सेवा करना, तो वही वो अपने डिसाइपल्स को बताना चाहते थे। जी हाँ, और एक और चीज़ है, क्यों ये बहुत सरल पड़ता है हमें जो अगुवाई करते हैं, सरल पड़ता है कि हम सेवक से बुसाई पी कर जाए, क्यों ये सरल पड़ता है? हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बोलते आई, मैं, है ना, मैं, मी, माय। तो ये बात लेकर जब हम खड़े हो जाते तो हमारा सिर ऐसे ऊंचा रहता है। और अगर हम सच्चे सेवकाएँ बनना चाहते हैं तो हमारा सर झुकेगा। जैसे कभी कभी उदाहरण दिया जाता है ना कि अच्छे सेवक बनने के लिए, मसीही की तरह सेवक सेवकाई देने के लिए इस आय को मोड़ना है और इसे सी बनाना है। सी का मतलब है क्राइस्ट। तो अगर क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाए तो हम झुक कर जैसे यीशु मसीह सेवा किया हम उसी तरह करेंगे। धन्यवाद। यीशु मसीह हमेशा ये हमें सिखलाया ना। यूहन्ना सुसमाचार John 13:1-17 में क्या हमें ये समझा दे, ये क्या बताता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह झुक कर अपने चेलों का पैर धोया। इतना महान आदमी यीशु मसीह स्वर्ग से आया, कोई वहां नहीं रहा उसके पैर धोने के लिए, वो झुका, नीचे झुककर पैर धोया। तो कैसा अगुआ ना, जो अपने जो जिसको वो सीख देता है उनका पैर धोया। वहाँ पर एक बाइबल वर्स जो यूहन्ना की किताब में बताता है कि मैं आपका मुखिया होकर, एक मास्टर या लीडर होकर मैं जब आपका पैर धो सकता हूँ, तो आज के बाद से आप लोग भी ये करिए, ऐसा करिए, ये कार्य करिए, सेवा करें। एक बात और इसमें आता है कि मसीही जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं किया। एक सच्चे मुखिया किसी का इंतज़ार नहीं करता कि कौन पहले उठेगा, मैं तो अगुआ हूँ मैं नहीं उठूंगी, नहीं। एक सच्चा अगुआ जो है वो सबसे पहले उठकर अपने उदाहरण के द्वारा, अपने मैं शुरू में बताई चाल चलन के द्वारा अगुवाई करेगा और सब जो है नम्रता के साथ सेवा करना। आओ हम लोग पहला पत्रस 1 पीटर 5:5-7 इसको सुने।
1 Peter 5:5-7 में कहता है, इन द सेम वे यू यंगर मैन मस्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स एंड ऑल ऑफ यू सर्व ईच अदर इन ह्यूमिलिटी फॉर गॉड अपोजेस द प्राउड बट फेवर्स द हम्बल सो हम्बल योरसेल्व्स अंडर द माइटी पावर ऑफ गॉड एंड एट द राइट टाइम ही विल लिफ्ट यू अप इन ऑनर गिव ऑल योर वरीज एंड केयर्स टू गॉड फॉर ही केयर्स अबाउट यू. अच्छी बात है. क्या ये वेस क्या हमें समझाता है? कि मान लिया जाए मैं एक नौजवान हूँ और मुझे मुखिया का पदवी मिल गया है, तो हमारे पीछे कई सियाने लोग हैं जो हमसे बूढ़े लोग हैं जो ये काम कर कर चले गए हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बगल कर दें. हमारा काम है हम उनका इज्जत करें, हम उनका रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें. वो जो सीख छोड़ गया है, जो शिक्षा दिया है, उसका पालन करें हम. नम्रता जो है, नम्रता जो है ये बहुत खास बात है एक ईसाई के जीवन में, और खास तौर एक ईसाई अगुआ के जीवन में. नम्रता क्यों? नम्रता में घमंड नहीं है. घमंड नहीं है नम्रता में. घमंड नहीं है नम्रता में. मुड़ना है. जो सच्चे होते लीडर होते हैं मसीही की तरह, वो झुक कर काम करते हैं. मान लिया जाए एशली हम लोग के साथ यहाँ है. एशली, आप जो कलिशिया जाते हैं वहाँ पे आप स्वास्थ्य का अगुआ है ना, तो आपको अगर कोई आए कि कुछ स्वास्थ्य के बारे में सलाह दे, तो एशली घूम कर कहती है, ओ नहीं, हम सब चीज़ जनता है. वो नम्रता नहीं है. वो हाँ, धन्यवाद, आप हमें कुछ शिक्षा दिया. तो नम्रता जो है वो लेन देन है ना. नम्रता जो है दूसरों को सुनना है, दूसरों को समझना है और आगे बढ़ना है. पर ख्याल रखना, जब हम लोग परमेश्वर के अगुवाई में निकल पड़ते हैं तो तैयार रहना दुश्मन की वार से. ये बहुत खास बात है, दुश्मन की जो वार है. पहला पत्रस 1 Peter 5:8-10. 1 Peter 5:8-10 में कहता है, स्टे अलर्ट, Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your Christian brothers and sisters all over the world are going through the same kind of suffering you are. ये वर्स क्या हमें बताता है? सावधान रहो, हमेशा सावधान रहो या सतर्क रहो, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, जो सैटन है, डेवल है, वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहता है. वो एक शेर की तरह है जो चुपचाप रहेगा, बट असली वक्त, सही वक्त पर वो बाहर निकल कर आएगा और हमें अचानक से ऐसा कुछ कर देगा कि हम फिसल जा सकते हैं. तो इसके बारे में हम लोगों को कहता है कि हम सावधान रहे, हमेशा अपना आँख ध्यान खोल कर रखे और प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखे. क्यों शैतान जो है वो परमेश्वर का जो पीछा करते हैं उनको नष्ट करना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो उनको स्वर्ग से निकाल कर भीगा गया है, जहाँ वो ईश्वर से ऊंचा होना चाहता था. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. अगर कोई भी इंसान है, कोई भी मुखिया है, किसी से ऊंचा होना चाहता है, तो एक उसको वहाँ से भीग दिया जाएगा, निकाल कर भीग दिया जाएगा. और John 8:44 में बताता है, पूरा वेस लिखा है, लेकिन मैं एक बात वहाँ से बताना, उनको बताया है, वो झूठ का बाप है. हाँ, झूठ का बाप है. और वो नहीं चाहता है कि कोई परमेश्वर में आगे बढ़े. ये बहुत खास बात है. वो हमेशा कोशिश करेगा कि हमें गिराते रहे कि हम परमेश्वर के संग आगे नहीं बढ़ सके. हम लोग में घमंड लाता है, हम लोग में प्राउड फील कराता है कि हमें उन लोग हमारी सेवा करो, हम उन लोग की सेवा नहीं करी है ना. पर क्या, कैसे हम इसका जो वार है इससे बच सकते हैं? पहला पत्रस 5:9, 1 Peter 5:9, इसको हम लोग सुन लें. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your Christian brothers and sisters all over the world are going through the same kind of suffering you are. सब ये सामना कर रहा है. हम लोग के मजबूत रहना है. शैतान कोशिश करेगा गिराने के लिए, शैतान कोशिश करेगा हराने के लिए, है कि नहीं? क्या आप सोचते हैं टीचर जी? शैतान हमेशा ही गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमेशा सबसे ऊंचा रहना चाहता था. और घमंड के कारण वो हमको भी उसी तरह लाना चाहता, वो हमारे में ढूंढता है.
इस मुखिया में क्या है, उसको एक छोटी सी बात लेकर उनको गिरा देगा। तो उससे बचने के लिए हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, जैसे यीशु मसीह दुत्कारा, हमें शैतान को भी दुत्कारना है। और हमें ये जानना है कि जो कुछ भी आज हमारे सामने हो रहा, हमारे अंदर हो रहा, ये शैतान करता, तो जल्द से उसको फेंक कर बगल करके प्रभु के चरणों में आइए और वो हमें वहाँ से सही मार्ग दिखाएगा। और ये बात एक और सवाल में हमें लेके जाता है, पर क्यों शैतान का जो टारगेट है वो क्रिश्चियन लीडर्स पे रहता है, क्यों? एक मुखिया पर वो नहीं चाहता है कि कोई भी प्रभु में रहे या स्थिरता से उसमें रहे, क्योंकि एक मुखिया अगर स्थिर है तो और लोगों को भी लाएगा, सच्चाई में लाएगा, वो जानता है। तो हमेशा मुखिया ही के टारगेट करता है कि उनको किसी तरह गिरा दे। आप क्या सोचती है श्री? एक मुखिया के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी रहता है, लोगों को देखना, उन लोगों को सही मार्ग पर लेके आना, एक मैनेजमेंट और एक सुपरवाइज़र का भी काम होता है। तो जैसे ममला ने कहा कि अगर एक शैतान अगर एक जो मुखिया है उसे अगर गिरा देगा तो वो जानता है कि उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब गिर जाएंगे। एक मुखिया जो सेवक है, एक मुखिया जो गमंडी नहीं है, जो अपन आपको बॉस नहीं समझता या बोसाई नहीं करता है, एक मुखिया जो सेवक है उसका पीछा शैतान लगता है ना, और वो कोशिश करेगा उसको गिराने के लिए, एकदम 100% है, क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि ये सेवा करते रहेगा, ये जो सेवा है ये करते रहेगा। अगर हम इसके गिरा दिया तो ये सेवा नहीं करी, या इसके अंदर हम घमंड डाल दिया तो ये सेवा नहीं करी। पर परमेश्वर का सेवक बनना, परमेश्वर का अगुआ बनना, परमेश्वर का एल्डर बनना सेवा से शुरू होता है। छोटा बनना है, नरम बनना है, नीचा बनना है। आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप दोनों ने बहुत अच्छा लेसन में भाग बना। और ये जो स्टडी है, मैं विश्वास करता हूँ कि अगुआ लोग को मदद करेगा कि वो परमेश्वर में और मजबूत रहे, नरमता के साथ सेवा करें, सेवक बनकर सेवा करें। प्रभु का आशीष हम लोग के साथ रहे। आओ क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम हम सब के ऊपर रहे। हम आपका सेवक नरमता के साथ करें, और परमेश्वर हम अगुआ बने जो सेवक है, ना कि जो बोसाई करने वाला है। प्रभु हम सबको तुम मदद करना, सब पर तेरा आशीष रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन।